इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैप्टर का। वेलकम टू वीडियो नंबर 13। और इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूला। इस वीडियो में हम थर्ड एंड फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे प्रूव करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को और साथ ही इस चैप्टर के प्लेलिस्ट को भी शेयर करें, और इस तरीके से जो है आप मुझे सपोर्ट करें। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे थर्ड रेकरेंस फॉर्मूला, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे। तो थर्ड रेकरेंस फॉर्मूला क्या है? दैट इज जे एन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू एन, जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। ओके, जे एन एक्स क्या है अपना? एक्स अपॉन टू एन, जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट रेकरेंस फॉर्मूला, हमने जो पिछले वाले वीडियो में फर्स्ट रेकरेंस फॉर्मूले को प्रूफ किया, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इंटू जे एन एक्स इक्वल्स टू एक्स टू पावर एन इंटू जे एन माइनस वन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये अपना फंक्शन ऑफ एक्स है और ये भी अपना क्या फंक्शन ऑफ एक्स है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल को अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मानते हुए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस करके इसको कांस्टेंट मानते हुए इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू दिस इज एज इट इज, दैट इज जे एन एक्स। फाइन, प्लस अब इसको कांस्टेंट मानते हुए इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज एक्स टू पावर एन इंटू जे एन डैश एक्स। फाइन, और ये वाला पार्ट एज इट इज है। फाइन, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर माइनस वन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी टर्म्स में देखो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, एक दो और ये तीन, तीनों टर्म्स हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एन को अपन यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, एक्स की पावर माइनस वन बचेगा। तो एक्स की पावर माइनस वन को क्या लिखते हैं, वन अपॉन एक्स लिखते हैं। तो वन अपॉन एक्स इंटू एन विल बिकम एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स। फाइन, यहाँ पे ये वाला पार्ट कैंसिल हो चुका, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, जे एन डैश एक्स। वैसे ये वाला पार्ट भी क्या हो चुका, कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जे एन माइनस वन एक्स। फाइन, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इक्वेशन पर वन कंसिडर करेंगे। फाइन, ओके। वैसे हम अब आएंगे रेकरेंस के सेकेंड फॉर्मूले को। ओके, ये भी हमने वीडियो नंबर 12 में डिस्कस किया हुआ था, इवन प्रूफ भी किया हुआ था। ओके, तो फ्रॉम सेकेंड रेकरेंस फॉर्मूला वी हैव डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस एन इंटू जे एन एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टू पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को फिर से अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, कीपिंग दिस एज कॉन्स्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एन इंटू एक्स टू पावर माइनस एन माइनस वन जे एन एक्स। प्लस इसको कॉन्स्टेंट रखते हो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज एक्स टू पावर माइनस एन इंटू जे एन डैश एक्स। और ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा। ओके, इसको बिल्कुल भी मत छेड़ो। फाइन, यस। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या, एक्स के पावर माइनस एन, एक्स के पावर माइनस एन, एक्स के पावर माइनस एन कॉमन है, कैंसिल कर लो। तो कैंसिल करने पे यहाँ पे क्या वन बचेगा, यहाँ पे वन बचेगा, और यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, एक्स के पावर माइनस वन बचेगा। ओके, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस एन अपॉन एक्स माइनस एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स प्लस जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे एन प्लस वन एक्स। फाइन, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इक्वेशन नंबर टू कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या था, इक्वेशन नंबर वन था। ओके, और एक नीचे अपने पास क्या है, इक्वेशन नंबर टू है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू से कैंसिल आउट करेंगे, माइनस करेंगे आई मीन। ओके, यस, इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर टू गिव्स। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इक्वेशन वन माइनस टू गिव्स। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा अपने पास, यस, दिस माइनस दिस। ओके, सेम दिख रहा होगा आपको, बट यहाँ पे अपने पास क्या है, नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स बन जाएगा। फाइन, वैसे आगे बढ़ो, यस, कंपेयर करो वन को टू के साथ। यहाँ अपने पास क्या है, जे एन डैश एक्स, यहाँ अपने पास क्या है, जे एन डैश एक्स, आपस में क्या कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। तो यहाँ नेगेटिव है तो दिस प्लस दिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। तो यहाँ पे जो टू दिया हुआ है, टू एन अपॉन एक्स जो लिखा हुआ है, उसको अपन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास जे एन एक्स क्या बन जाएगा, ये एक्स ऊपर आएगा और ये टू एन नीचे आ जाएगा, दैट इज एक्स अपॉन टू एन टाइम्स जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। तो यही था हमको जहाँ पे प्रूफ करना था। ओके, तो हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमने थर्ड रेकरेंस फॉर्मूले को जहाँ पे अपने हमने यहाँ पे सक्सेसफुली प्रूफ कर लिया है। नाउ कमिंग टू फोर्थ रेकरेंस फॉर्मूला। फोर्थ रेकरेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टू
जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वाई एक्स, ओके यस। अब इसको जो प्रूफ करना है कैसे करेंगे, सिंस वी हैव, यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब आप सोचोगे ये दो इक्वेशन कहाँ से आया, ओके यस। यहाँ पर देखो, जब हमने थर्ड रेकरेंस फॉर्मूला प्रूफ किया था तो हमने फर्स्ट रेकरेंस फॉर्मूले से हमने इसको निकाला था, ओके यस। तो इसको वहाँ पे यूज़ करेंगे, और सेकेंड रेकरेंस फॉर्मूले से हमने क्या अचीव किया था, इस रिलेशन को, ओके। तो इसी को जो है हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, फाइन। इसी को जो अपन यहाँ पे फोर्थ रेकरेंस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे उसको यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट रेकरेंस फॉर्मूले से हमने इस वाले पार्ट को अचीव किया था, और सेकेंड रेकरेंस फॉर्मूले से हमने इस वाले पार्ट को अचीव किया था। थर्ड वाले रेकरेंस फॉर्म में हमने क्या किया था, वन माइनस टू किया था, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वन प्लस टू करना पड़ेगा, ओके। तो वन प्लस टू करने से मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, देखते कैसे। वन प्लस टू गिव्स, ओके। वन प्लस टू गिव्स मतलब क्या होगा, इसको उसको ऐड कर लो तो ये वाला पार्ट क्या अपना कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, टू टाइम्स हो जाएगा, दैट इज टू इंटू जे एन डैश एक्स हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट अपना क्या नेगेटिव है। सो जे एन माइनस वन एक्स माइनस ऑफ जे एन प्लस एक्स, फाइन। अब यहाँ पे जो टू दिख रहा है आपको, उस टू को आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड फेंक दो, दैट विल, ओके, दैट इज जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू टाइम्स जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स, ओके यस। और ये क्या था, यही वो था जो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था इन द सेकेंड, सॉरी इन द फोर्थ रेकरेंस फॉर्मूला। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो प्लीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।